नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी गैंगस्टर सिराज अहमद के खिलाफ सख्त नजर आई। सांसद ने अधिवक्ता संघ के साथ जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए। सुल्तानपुर के विकास खंडों में पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी ने पौधारोपण किया। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अमेठी के सभी विकास खंडों में अमृत महोत्सव के मेरी माटी मेरा देश तहत मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा ने हरी झंडी दिखाकर किया और मैराथन में स्थान पाने वाले को शील्ड देकर पुरस्कृत किया। अमेठी के थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना जगदीशपुर पर अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और शिकायतों के निस्तारण संबंधित आवश्यक निर्देश दिया। अमेठी के थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना जामो पर क्षेत्राधिकारी मयंक त्रिवेदी, थाना संग्रामपुर पर क्षेत्राधिकारी लल्लन सिंह, थाना कमरौली पर क्षेत्राधिकारी गौरव सिंह ने थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। अमेठी में जगदीशपुर क्षेत्र के इमली गांव में इमाम हुसैन के याद में शहीद आजम कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस दौरान अजीम शख्सियत मुफ्ती सलमान अजहरी ने सत्य के रास्ते पर चलने की बात लोगों को बताई। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर सवाल करने पर मंत्री ने विवादित बयान दिया। मंत्री ने कहा कि जब राहुल गांधी अपनी बहन को पप्पी ले सकते हैं तो वह फ्लाइंग किस किसी को भी कर सकते हैं। अयोध्या में सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन टिकैट जिला इकाई ने ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखीमपुर खीरी के थाना फरदान पहुंचकर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा थाना समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुना और शिकायतों के निस्तारण के लिए माथहतों को निर्देशित किया। लखीमपुर खीरी के विकासखंड निघासन क्षेत्र के स्कूलों में सुबह 7:30 बजे DIOS महेंद्र प्रताप सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कई स्कूल बंद मिले, जिन पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। जौनपुर जनपद के केराकत तहसील की SDM नेहा मिश्रा और जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डायग्नोस्टिक सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया, जिस दौरान रुद्र डायग्नोस्टिक सेंटर और कृष्ण डायग्नोस्टिक सेंटर को सील किया गया। बहराइच में थाना जरवल रोड और थाना कैसरगंज में जिलाधिकारी मोनिका रानी और SP प्रशांत वर्मा ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। शिकायतों के निस्तारण के लिए माथहतों को निर्देशित किया गया। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।